नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कुछ दिनों पहले कर्नाटक में क्या हुआ आप जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आपको हम कुछ पुरानी बातें बताकर याद ताजा कर देते हैं। हुआ यूं कि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने मिलकर सरकार चलाई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और इस कहावत को कई बार राजनीति के बड़े खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव अपने भाषण में कह चुके हैं कि बेमन का ब्याह कनपटिए सेनोर, और यही बात कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के साथ हुआ और सरकार गिर गई और नाराज कांग्रेस के विधायक बीजेपी से जा मिले। बीजेपी की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली येदियुरप्पा को। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि फिर कर्नाटक में सियासी नाटक शुरू हो गया है और लग रहा है कि एक बार फिर पुराना इतिहास ही दोहराया जाने वाला है। लगता है कि सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी खतरे में है और इसको लेकर कर्नाटक में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कम से कम 20 से 25 विधायक राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा से नाराज हैं और इसी वजह से विधायक आगे की रणनीति के लिए बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो ये बैठक राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम जगदीश शेट्टार के घर पर है। इस बैठक को लेकर विधायकों द्वारा एक चिट्ठी भी जारी की गई, हालांकि इस चिट्ठी पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस काफी खुश है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि जब कोई चीज असंवैधानिक होगी और सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की जाएगी तो ऐसा होगा ही। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि बीजेपी और कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र पर भी चर्चा चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में 75 साल तक किसी शख्स को किसी अहम पद पर बना रह सकता है। वहीं येदियुरप्पा की उम्र फिलहाल 77 साल है। पिछले दिनों जब येदियुरप्पा ने अपना जन्मदिन मनाया था तब भी ये चर्चा का विषय था। अब देखना होगा कि होता क्या है और इस नाटक का क्या अंत होता है। लेकिन फिलहाल तो नाटक धीरे धीरे शुरू हो रहा है। देखना होगा कि कितने दिनों तक ये नाटक चलता है।